फिर बात कर लेते हैं एक और खास खबर की, जहां एमपी अजब है, गजब है, ये सबने सुना है। लेकिन नसीपुर जिले के गाटरपारा से एक ऐसा ही गजब मामला सामने आया, जहां एक मृत व्यक्ति का आवेदन आता है, सुनवाई होती है और फैसला भी सुन लिया जाता है। मामला गाटरपारा तहसील का है। बताया जा रहा है कि चंद्रभान सिंह कौरव नाम के एक शख्स की 2021 में मौत हो चुकी थी। इसका सर्टिफिकेट ग्राम पंचायत कजरोटा ने जारी कर दिया था, लेकिन 2022 में उसके नाम से गाटरपारा तहसील दफ्तर में आवेदन लगा दिया गया। केस की सुनवाई भी हो गई और नक्शा दुरुस्ती का आदेश भी जारी कर दिया गया। मामले की जानकारी लगते ही चंद्रभान के चचेरे भाई देवेंद्र सिंह कौरव सकते में आ गए। अब दिव्यांग देवेंद्र न्याय की गुहार को लेकर सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। वहीं मामले की सुनवाई करने वाली तहसीलदार अनु जैन इसे लेकर लोक सेवा दफ्तर की गलती बता रही है। शासन ने उसे तहसीलदार साहब ने उसके लाने स्वीकार भी कर लिया और बनने फिर बने लौट के आदेश भी कर दो उसको, तो हम तो भौचक के रह गए कि ये हो क्या गया। मरा हुआ आदमी भी आवेदन कर रहा है और शासन भाई मानता भी कर रही है और उसके नाम पे आवेदन भी आदेश भी कर रही है। ये बहुत परेशान है। एक महीना होगा हमको कलेक्टर साहब के यहाँ गए, बने भी आवेदन दिया, वहाँ से भी हमको नहीं आई संतुष्टि। पर एसडीएम साहब के यहाँ केस लगाया है, तो अब क्या होता है। अब इसमें बहुत परेशान है, बहुत परेशान है, विकलांग आदमी है। बटांगन का मामला था, उसमें कई लोगों के केस साथ में दर्ज थे और वो लोक सेवा से आए थे। अब लोक सेवा ने कैसे आवेदन ले लिया, ये लोक सेवा की थोड़ी गंभीरता प्रकट करता है। हमारे समक्ष में जो भी लोग उपस्थित हुए उन्हीं के साइन कराए गए हैं, समक्ष में किसी भी मृत व्यक्ति के साइन नहीं कराए गए हैं। और आदेश में भी जो उपस्थिति होके साइन कराए हैं उनमें भी उनका नाम मैंने दर्ज नहीं किया है। जो भी हमारे समक्ष में आए हैं उन्हीं के साइन से आदेश हुआ है।